हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपको हिंदी के 60 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आना है। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रीति काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा है ना, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने दी थी? विश्वनाथ प्रताप मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहू नाम गणेश गणेन गोसाई, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार होगा आपका उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो संयुक्त स्वर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर देखो, व्यंजन होते हैं आपका छत्रा ग्या, ये स्वर की बात हो रही है। तो ए ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? तो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, और भरत मुनि ने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी। ये भी क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद हमको बताना है क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पितृनुमति, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे संधि विच्छेद आ जाते। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में क्रिया होगी संयुक्त क्रिया। तीसरा पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? अल्प प्राण महाप्राण अगर आपको नहीं पता है ना, तो वीडियो देख लो मेरी व्यंजन वाली। दुनिया में नहीं समझ पाओगे किसी भी बुक से, लेकिन वो वीडियो से आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका घा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो इनका संबंध है अद्भुत रस से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना हुआ है चरित्र से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। किससे बना हुआ है? चरित्र से बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो किस शब्द में है? ये हो जाएगा आपका दिल्ली में, द्वित्व व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 13 से 14 तक आपके दो क्वेश्चन में चार चार सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस को छांटना है जो त्रुटि रहित, यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, त्रुटि रहित, कोई त्रुटि ना हो। तो आपका 13वें का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 14वें में कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शंस को पढ़ लो, मैं सारी रात जागता रहा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का जो प्रारंभ है ना, ये 1500 ईसा पूर्व से आसपास हुआ, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? तो शक्ति को शक्ति कहना ये किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? स्वर भक्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आ प्लस छादित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद में वाणलिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो उस छंद को हम मुक्त छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त छंद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आ गया ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको याद है ना, विभक्ति चिन्ह ऐसे ही निकलेगा जैसे मेरे मुंह से निकला, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं?
तो इनको हम कहते हैं कंठ तालव्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका असमाप्यका क्रिया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इष्ट प्रत्यय, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास नहीं है, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप का विलोम शब्द क्या होगा? तो कोप का विलोम शब्द होगा शांत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है आपका लड़ाई झगड़ा होना, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतीब शब्द में निम्नलिखित में से उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सही आंसर है आपका अति उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है ना मिश्र वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अधोपतन किस प्रकार से लिखा जाता है? सही आंसर है आपका अधोपतन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वंदर का तत्सम रूप बताइए, आराम से बता सकते, सिंपल है, बानर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अष्ट का तद्भव रूप आपको बताना है, तो अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? आठ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची नीरज। आज तो पर्यायवाची और विलोम बहुत सिंपल दिए, और तद्भव तत्सम भी। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है, तो जल्दी से बता दीजिए भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। यहाँ बैठा नहीं जाता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आपके सामने आपका काम आ गया है, गद्यांश दिया है, जो गद्यांश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 36 से 40 तक आपके क्वेश्चंस हैं, और इस गद्यांश को पढ़ करके उसके आधार पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है? तो गद्यांश की दो लाइनें ये पढ़ लीजिए, बाकी गद्यांश और बता रहा हूँ मैं, बाकी का ये रहा, ठीक है? तो फिर यहाँ तक आपको पढ़ना है, 36वें क्वेश्चंस का आंसर देना है, 37वें क्वेश्चंस का आंसर देना है, 38वें क्वेश्चंस का आंसर देना है, 49वें क्वेश्चंस का आंसर देना है, 40वें क्वेश्चंस का आंसर देना है, फिर 41वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो मैं करवा रहा हूँ। महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो महान का विलोम शब्द होगा शूद्र, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली, तो ये जो है ना ये अवधी बोली के क्षेत्र है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ज्येष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है? कई बार मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है, अशुद्ध शब्द, गलत वाला शब्द हमको बताना है। तदुपरांत ये आपका गलत है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं। सुयोग ठीक है, विदेश ठीक है, अत्यधिक ठीक है, सुरेश ठीक है, तो जो आपका विदेश शब्द है ना ये उपसर्ग रहित शब्द है। कौन सा? सॉरी, सुरेश, सुरेश, सुरेश जो है ना ये उपसर्ग रहित शब्द है। विदेश में तो है भी उपसर्ग, ठीक है, क्योंकि सुयोग में तो सु उपसर्ग, विदेश में भी उपसर्ग, अत्यधिक में अति उपसर्ग, लेकिन सुरेश में नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नवग्रह में कौन सा समास? मैंने आपको बताया जिस पद का संख्यावाचक हो पहला पद, तो वहां पर दिग्गु समास होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्शन का तद्भव, तो दर्शन का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? दर्शन, इस प्रकार से लिखा जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 48 से 50, यानी कि तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें एक सेंटेंस है जिसको चार भागों में विभक्त किया गया है, जिस भाग में गलती है उसको टिक करना है, जिसमें गलती नहीं है तो चौथा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने
पटना जाना है, क्योंकि मुझे पटना जाना है, तो तीसरे भाग में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, अत्यंत गलत लिखा है, तो इसमें तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं, तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये हमको बताना है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा वह धीरे से बोलता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिजीसा का अर्थ क्या होगा, तो जिजी भीसा का अर्थ हो जाएगा आपका जीवन की इच्छा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पार्थिव का अर्थ क्या होगा, तो पार्थिव का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, तो कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा, माथा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो वाक्य है ना ये है आपका संदेहवाचक वाक्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार है आपका प्रतिम अलंकार, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो गीतांजलि के जो रचयिता है उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, काठ क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि का उपाधि किसे दी गई है, तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है ये दी गई है आपको किसको, मैथिली शरण गुप्त को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को खुद से बताना है कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग कौन सा है, था का वा या चार, तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 60 क्वेश्चंस जो कि आपके UP SSC जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।